हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन स्टैटिस्टिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पे है। हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक क्लास ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जहां हमने ये बताया भी था कि 10-10 एमसीक्यूज हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करें। एंड ये एमसीक्यूज हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं, फिर चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, सीएमए फाउंडेशन हो, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हो, यूजीसी नेट एग्जाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव कॉमर्स बेस्ड एग्जाम। हर एक एग्जाम में आप देखोगे ना तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर करता ही है, और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछते हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.5। लैटर इट वॉज नोटिस दैट द रैंक्स टू एक्स एंड वाई आर गिवन एज 2 and 9 आर रॉन्गली गिवन एज 4 and 7। द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज, अब ये आर की बात कर रहा है, आर एक्स वाई। और अगर आपने हमारा कोरिलेशन का चैप्टर कवर किया होगा तो वहाँ ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से कवर किया था कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि हमारे पास 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, उसके लिए ऑलरेडी रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट करके दिया है 0.5। लैटर इट वॉज नोटिस दैट द रैंक्स टू एक्स एंड वाई आर गिवन एज 2 and 9। कह रहा है कि जो रैंक दी थी एक्स की और रैंक दी थी वाई की, तो एक्स की रैंक थी 2 और y की रैंक थी 9, आर रॉन्गली गिवन एज 4 and 7। बट हमने जिसको रीड किया या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रिंट था वो कितना था, 4 and 7। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे ना, इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप लोग समेशन डी स्क्वायर निकाल लो, फिर इसकी हेल्प से करेक्ट समेशन डी स्क्वायर निकाल लो, एंड फाइनली आप करेक्ट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पास आर की वैल्यू अभी दी हुई है, ये इनकरेक्ट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कितना है 10, 10 स्क्वायर माइनस 1। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इधर ले आओ, ये हो जाएगा -0.5 इज इक्वल टू -6 समेशन डी स्क्वायर, और नीचे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 99, दैट इज 990, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 495 डिवाइडेड बाय 6, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 82.5। ये इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर हमने निकाला है। क्लियर? जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग। आप देखो फर्दर हमसे क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है वो ये है कि एक्स की और वाई की रैंक होनी चाहिए थी 2, 9, पर गलती से दी कितनी थी, इसकी जगह 4 दी थी, इसकी जगह 7 दी थी, तो हमने जो डिफरेंस निकाला होगा, जो इनकरेक्ट हमने डिफरेंस निकाला होगा रैंक का, वो कितना रहा होगा, -3, और करेक्ट होना कितना चाहिए था डिफरेंस, -7। तो बस अब ये -3 और -7 का आप स्क्वायर कर दो, और सबमिशन डी स्क्वायर में एक को माइनस करो, एक को ऐड करो, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और क्योंकि ये इनकरेक्ट है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, और एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, जो डिफरेंस आया है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, -7, तो उसका स्क्वायर करने पे 49 आएगा, एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अभी पॉइंट एक बार लास्ट समझो, हम ये कह रहे हैं कि मेरा जो इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर आया वो है 82.5, और हमें पता है कि गलती से हमने 2 रैंक को गलत मेंशन कर दिया था, तो उसकी वजह से जो 1 का डिफरेंस आया था वो इनकरेक्ट डिफरेंस था, उसको माइनस कर दो और करेक्ट डिफरेंस को ऐड कर दो। क्लियर? तो इससे मेरा करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा, और करेक्ट समेशन डी स्क्वायर कितना है, और करेक्ट समेशन डी स्क्वायर कितना है, 122.5। अब बस मेरे पास जब करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर आ गया तो हम क्या रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर दैट इज 122.5, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 10 है, क्योंकि एक लेस किया तो एक ऐड भी किया, 10 - 10 स्क्वायर माइनस 1। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी 0.2575 अप्रॉक्स, ठीक है।
अब हो सकता है कि आंसर सिर्फ 2 डिजिट में दिया हो, तो आंसर फाइनल आंसर क्या होगा, 0.26। हमारे पास ऑप्शन में देखो 0.26 दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी 0.26। नेक्स्ट, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल वेन, हमने ये पॉइंट अभी तक डिस्कस नहीं किया वैसे तो रिग्रेशन में, बट आइडेंटिकल तभी होगा जब को इफिशियंट को रिलेशन क्या हो, आइदर +1 और -1। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, पाई डायग्राम इज यूज फॉर, अ पाई डायग्राम क्यों यूज होता है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड द रिलेशन टू द टोटल, रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन अ सर्कल, रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा इन सर्कल। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं पाई डायग्राम में, जैसे मेरे पास कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको कंपेयर करना कि किसका कितना पोर्शन है और टोटल के साथ उनका रिलेशन सेट करना। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड स्टेटस से, येस, स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ था इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा है, ये भी करेक्ट है, बेसिकली यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। एंड लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, नो, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा STATISTIQUE। क्लियर, अगर हम लोग फ्रेंच वर्ड बोले तो फ्रेंच वर्ड में लास्ट में क्या था, QUE, तो फिर K किस में था, वो जर्मन वर्ड में था, मतलब ये जो स्पेलिंग दी है ना, ये जर्मन वर्ड में डिराइव हुआ था। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा सी कि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर इज, सिंपल है, अगर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जब भी नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होता है, तो मेरे पास एक्स क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज है, तो फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर निकाल लो, ये हो जाएगा 4, 16, 36, 64, 100। जब हम एक्स का टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30, आप टोटल करके देख लेना, और एक्स स्क्वायर का सबमिशन निकालोगे तो आएगा 220। बस अब फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे तो सबमिशन एक्स स्क्वायर कितना आया, 220 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 44, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो आएगा माइनस 36, दैट इज अंडर रूट 44 माइनस 36 और अंडर रूट 8। क्लियर, अब क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है, अंडर रूट 8, और हमें वेरिएंस निकालना है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, अंडर रूट 8 की स्क्वायरिंग करेंगे तो सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 8। क्लियर, नेक्स्ट, इफ को वेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 50, मतलब मेरे पास को वेरियंस की वैल्यू दी हुई है एंड द वेरियंस ऑफ एक्स इज 25, तो वेरियंस ऑफ वाई क्या होगा, बहुत ही सिंपली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला भी बताया है और साथ ही साथ हमने इसकी प्रॉपर्टी भी बताई है कि इसे बेसिकली आर का कैलकुलेशन करेंगे और आर की वैल्यू +1 to -1 के बीच में ही लाई करेगी। क्लियर, तो जो मेरे पास फॉर्मूला था वो क्या था, को वेरियंस एक्स वाई दैट इज 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ वाई। अच्छा, क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि जो वेरियंस ऑफ वाई है वो लेस देन 100 होगा, मोर देन 100 होगा, एटलीस्ट 10, एटमोस्ट 10। देखो, एटलीस्ट एटमोस्ट की तो यहाँ बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 और एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी बात होगी तो लेस देन मोर देन की बात होगी। अब एक वैल्यू लेके देख लेते हैं, लेस देन 100 में हम लोग ले लेते हैं 81। अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू 81 है तो 25 का स्क्वायर 5 और 81 का 25 बेसिकली किसका स्क्वायर है, 5 का, और 81 हो जाएगा 9 का, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी 50 डिवाइडेड बाय 45 और आर की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। अब वैसे हम लोग मोर देन 100 में अज्यूम कर लेते हैं 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25
बेसिकली 5 का स्क्वायर है और हम ले रहे हैं मोर देन 100, दैट इज़ वेरियंस ऑफ y को हम ले रहे हैं 144. तो इसको अगर हम अंडर रूट करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12. अभी हो जाएगा 50/60 और देखो यहाँ वैल्यू लेस देन 1 आएगी. तो क्या r की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है? हाँ, एग्जैक्टली 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, बट मोर देन 1 नहीं हो सकती. तो ये तो ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. अब एटलीस्ट 10 भी देख लेते हैं ताकि इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रह जाए. आप 16 ले लो, एटलीस्ट 10 मतलब 10 या 10 से ज़्यादा. तो यहाँ मान लेते हैं कि 16, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, तो 50/5 × 4 और ये वैल्यू मोर देन 1 आएगी. तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं. वैसे आप 9 लेके देखोगे ना एटमोस्ट 10 तक, तो भी वैल्यू मोर देन 1 ही आएगी. सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहाँ मोर देन 1 नहीं आएगी और वही करेक्ट आंसर है. क्यों? क्योंकि आर की प्रॉपर्टी में पता है कि +1 to -1 के बीच में लाई करता है. क्लियर? नेक्स्ट, 2 अनबाइज्ड डाइज आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द डाइज इज मोर देन 8 इज. अब हम बहुत जल्दी ना डाइज और कॉइन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर देंगे, क्योंकि वहाँ ना आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि जब भी रिलेटेड होगा क्वेश्चन डाइज और कॉइन से, तो आपको कैसे वो डायरेक्टली सॉल्व करना है. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन सिंपल है. कह रहा है कि अगर हम 2 अनबाइज्ड डाइज थ्रो करें तो मेरे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 × 6, क्योंकि एक डाइज में जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 6. तो ये हो जाएगा 36. अब उसमें फेवरेबल आपको चाहिए, और आपका फेवरेबल क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हो ऑन द डाइज, ये पहली डाइज है और ये दूसरी डाइज है, इन दोनों के डिजिट्स को जब हम ऐड करें तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, मोर देन 8. तो देखो, अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट में 1 आ रहा है और सेकेंड में भी 1 आ रहा है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं. तब हम डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे 2 के साथ 6, तब भी मोर देन 8 नहीं होगा, एग्जैक्टली 8 होगा. 3, मान लेते कि फर्स्ट में, इसी तरीके से करते ही हैं, क्या करोगे ना कि पहले 1 से लेकर के यहाँ पे 1 लो, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 2 लो, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर अब यहाँ 3 लेकर के यहाँ मानो 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4, है ना. फिर 2 के साथ करेंगे तो 5, 3 के साथ करेंगे तो 6, एंड 4 के साथ करेंगे तो 7, 5 के साथ करेंगे 8. तो फाइनली मेरे पास क्या आया, 3 + 6, मतलब अगर इसमें 3 आया है, इसमें 6 आया है, तो फिर वैल्यू क्या होगी, मोर देन 8. 4 के साथ हम वैल्यू लेंगे 5 and 6, देन 5 के साथ वैल्यू लेंगे 4 5 6, 6 के साथ वैल्यू होगी 3 4 5 and 6. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 10, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 36. तो सीधे सीधे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10/36, और हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5/18, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 150 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 45, आपको Q1 एंड Q3 कैलकुलेट करना है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो सिंपल है कि अगर हम लोग क्वार्टाइल 1 की बात करें तो इसका फॉर्मूला था μ − 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन, और Q3 की बात करें तो इसका फॉर्मूला था μ + 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन. अब मेरे पास अगर क्वेश्चन में मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, मतलब मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, तो बहुत ही ईजिली क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वार्टाइल 1 कितना हो जाएगा, 150 −0.675 × 45. बस अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका फाइनल आंसर आएगा 119.65. इसी 3 आप लोग खुद से कैलकुलेट करना, और इसका आंसर आएगा 180.375. सिंपली बस ऐड कर देता है, और ऑप्शन सी में ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है, 119.65 and 180.35. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ओगिव शोज. अब देखो, वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल की अगर बात करता तो हम वाई की बात करते, और वर्टिकल की बात कर रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस. तो हॉरिजॉन्टल के केस में ये क्या शो करता है, ये शो करता है क्लास बाउंड्रीज.
एंड एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या शो करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो किसको शो करेगी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को। और अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा होता हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तब करेक्ट आंसर होता क्लास बाउंड्रीज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टाइम इज। अब टाइम के डिफरेंस पे अगर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेटा का, तो इसको हम लोग टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो स्पेशल क्लासिफिकेशन क्या है, ये बेसिकली होता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। क्लियर? अच्छा, ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ हमने उसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से ये क्लास ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। तो ये ऐसे 10 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में कवर किए हुए हैं। एंड हम इस तरह की सीरीज अब रेगुलर बेसिस पे अपलोड करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हो पाए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स के लिए, आपको उतनी ही कम प्रॉब्लम फेस करनी होगी। इस स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपको क्या करना होता है कि फॉर्मूले पे फोकस करना होता है, एंड अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन एंड इस तरह की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।